हमीरपुर के बाईपास स्थित निजी होटल में 17 डोगरा के पूर्व सैनिकों ने अपना 40वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त धर्मगुरु बी आर कौशल के बटालियन का इतिहास बताया। आपको बता दें कि 17 डोगरा की स्थापना 1 अगस्त 1980 को डोगरा सेक्टर फैजाबाद में हुई थी और यूनिट के प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय काम करते हुए कॉम और रेजिमेंट के नाम को रोशन किया है। हमीरपुर के बाईपास स्थित निजी होटल में 17 डोगरा के पूर्व सैनिकों ने अपना 40वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त धर्मगुरु बी आर कौशल के बटालियन का इतिहास बताया। आपको बता दें कि 17 डोगरा की स्थापना 1 अगस्त 1980 को डोगरा सेक्टर फैजाबाद में हुई थी और यूनिट के प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय काम करते हुए कॉम और रेजिमेंट के नाम को रोशन किया है। इस अवसर पर कैप्टन प्रकाश चंद, भागीरथ कौशल, कैप्टन रिकी राम, कुलदीप सिंह, राजेंद्र मिन्हास, तिलक राज, मोहिंदर सिंह, दुर्गादास, अमर सिंह, किशोरीलाल, बतन सिंह, दलजीत, दिनेश, अशोक कुमार, जगदीश, कमल, जोगिंदर सिंह, मनोज कुमार मौजूद रहे। 40 साल पहले जब हम 17 डोगरों को खड़ा करने के लिए डोगरा सेक्टर फैजाबाद में पहुँचे थे, उस वक्त को और आज के वक्त को देखते हुए आज हमें पूरी वो यादें तरोताज़ा हो रही हैं और जश्न खुशी का माहौल हमें मिल रहा है जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको मिला रहे हैं। बड़ा ही आनंद इससे हमें प्राप्त हुआ, बड़ी खुशी हुई और हम अपनी पर्सन के ऊपर और कौम के ऊपर बड़ा गर्व महसूस करते हैं। आज हमारी डोगरा कौम देश के हर कोने कोने में अपनी सीमाओं की रक्षा कर रही है और अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आज के रेजिंग डे में कहां कहां से लोग आए थे? लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, ऊना और मंडी, बिलासपुर, इन 3-4 जिलों के लोग आज के उत्सव को मनाने के लिए हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने शेयर कर रहे हैं। ये बड़े गौरव की और